नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। आप देख सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है राजस्थान की कथा में। जी हाँ, किस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर धाम सरकार के सालीग्राम वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं। सफ़ेद कुर्ते में और जो पगड़ी बांध रखी है वो बागेश्वर धाम सरकार हैं, जो कार के ऊपर खड़े हैं। आपको बताते चलें, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन बहुत भव्य स्वागत हुआ। ये देख सकते हैं कलश यात्रा में बागेश्वर धाम सरकार का जो हनुमान जी का चित्र और झंडा लगा कर यह फहराया गया। और बताते चलें, यह है कथा पिंडाल बागेश्वर धाम सरकार का। अभी कथा पिंडाल खाली है, अभी कथा शुरू होगी तब आपको कथा पिंडाल की आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। अभी हम पहुंच गए बागेश्वर धाम सरकार के कथा पिंडाल में और सभी आपको जानकारी अपने चरण के माध्यम से देते रहेंगे। जी हाँ, पूरी ये देख सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार भोजन करने के लिए किसी सेवादार के घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सेवादार का नाम मालूम नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार भोजन कर क्रिया कुछ ही क्षण में कथा पे आएंगे और अपने मुखारविंद से श्री हनुमत कथा का रसपान हम सभी को कराएंगे। और पुलिस प्रशासन काफ़ी सारी बागेश्वर धाम सरकार के सपोर्ट में पहुंची थी। क्षमा करें, मैं त्रुटि कर गया था। कल आपको कलश यात्रा की वीडियो दिखाई थी मैंने, उसमें थोड़ी सी और वीडियो रह गई थी। ये कलश यात्रा की वीडियो है बागेश्वर धाम सरकार की, जो भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी राजस्थान में। जी हाँ, बताते चलो, पुलिस प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग दिया। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार आते ही पुलिस भी पहुंची और कलश यात्रा भी बड़ी ही शांतिपूर्वक कलश यात्रा कराई। मित्रों, मैं ऐसी वीडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से लाते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे अपडेट मैं आपको प्रतिदिन लाते रहता हूँ और आपको बागेश्वर धाम सरकार की सभी जानकारी देते रहता हूँ। ये कथा पिंडाल काफ़ी बड़ा टैंक लगाया गया बागेश्वर धाम सरकार कथा पिंडाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट।